हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ऑयल रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है, ऑयल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज ऑनबोर्ड शिप होती है, ऑयल रिलेटेड ऑयल एज ए कार्गो भी कैरी किया जाता है किसी शिप में, या ऑयल एज ए बंकर भी कैरी किया जाता है। ऑयल एज ए बंकर आपको सारे शिप में मिलेंगे, जितने भी शिप्स हैं सारे शिप में ऑयल एज ए बंकर कैरी किया जाता है, ठीक है। और इन एडिशनली जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उसमें ऑयल एज ए कार्गो कैरी किया जाता है। तो ऑयल एज ए बंकर जहाँ पर कैरी किया जाता है उसकी एंट्रीज ऑनबोर्ड शिप कहाँ पर होती है, और ऑयल एज ए कार्गो कैरी किया जाता है उसकी एंट्रीज ऑनबोर्ड शिप कहाँ पर होती है। जिस बुक में इसकी एंट्रीज होती है वो उसे एक ऑफिशियल लॉग बुक की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑयल रिकॉर्ड बुक। तो आपको एंट्रीज कौन सी करनी है, उसे ध्यान में कैसे रखना है, उसका एक सिक्वेंस है, वो सिक्वेंस हमें कैसे पढ़ना है और उसे ध्यान में कैसे रखना है, ऑयल रिकॉर्ड बुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके दो पार्ट्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, दूसरे वाले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट टू में क्या क्या एंट्रीज होती है। तो चलो दोस्तों, लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों, ऑयल रिकॉर्ड बुक जो होता है, ऑयल रिकॉर्ड बुक के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑयल रिकॉर्ड बुक्स के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आता है मशीनरी स्पेसेस ऑपरेशन, जो हर एक वेसल के लिए, जो शिप्स है हर एक वेसल के लिए, जो मशीनरी स्पेसेस जहाँ पर इंजन होता है, हर एक वेसल के लिए ऑयल रिकॉर्ड बुक का पार्ट वन एप्लीकेबल है। और पार्ट टू ये बस जो ऑयल टैंकर वेसल्स है जिसमें ऑयल एज ए कार्गो जहाँ पर कैरी किया जाता है उनके लिए पार्ट टू होता है। तो पार्ट वन आपको, आप किसी भी शिप में चले जाओ आपको पार्ट वन ऑयल रिकॉर्ड बुक का मिलेगा, क्योंकि मशीनरी स्पेसेस ऑपरेशन जहाँ पर ऑयल एज ए बंकर यूज़ किया जाता है, जिसकी बंकरिंग होती है, जिसकी क्लीनिंग होती है, जिसमें बलस्ट लिया जाएगा, ये सारे ऑपरेशंस पार्ट वन में आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट ऑयल रिकॉर्ड बुक का पार्ट वन जो है वो आपके सारे शिप पे आपको मिलेगा। अभी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मशीनरी स्पेसेस ऑपरेशन आपको उसमें लिखना है, ऑपरेशंस कौन से एंट्रीज करने हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ऑयल टैंकर्स ऑफ 150 जीआरटी एंड अबव उन्हें भी पार्ट वन कैरी करना है, एंड एवरी शिप 400 जीआरटी एंड अबव, जो शिप्स 400 जीआरटी है और उससे ज़्यादा है, और ऑयल टैंकर्स जो है 150 जीआरटी है और उससे ज़्यादा है, उन्हें पार्ट वन ऑयल रिकॉर्ड बुक का कैरी करना कंपलसरी है एज पर मारपोल रेगुलेशन 17, उसे बोलते हैं ORB। तो ORB के दो पार्ट से ये समझ में आ गया, पार्ट वन फॉर मशीनरी स्पेस, पार्ट टू इज फॉर ऑयल टैंकर्स जहाँ पर ऑयल एज ए कार्गो कैरी किया जाएगा। तो पार्ट वन में एंट्री कौन सी करनी है आपको, उसके अंदर लिखना क्या, ऑयल रिकॉर्ड बुक हमेशा ध्यान देना, ऑयल रिकॉर्ड बुक इज इक्विवेलेंट टू द ऑफिशियल लॉग बुक। ऑफिशियल लॉग बुक जैसे ही ऑयल रिकॉर्ड बुक को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो एंट्रीज कौन सी करनी है, देखो मशीनरी स्पेसेस में, मशीनरी स्पेस ऑपरेशन में जो अभी नॉर्मल वेसल है, जो ऑयल टैंकर नहीं है, तो उसमें ऑयल के रिलेटेड कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, एक तो लोडिंग होगा एज ए बंकर, ठीक है। बाद में लोडिंग होने के बाद में बंकर टैंक भर गए, बंकर टैंक को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद में उसमें ऑयल रेसिड्यूज बचे, मतलब मैं ये चीज़ें हैं उसका सीक्वेंस बता रहा हूँ, तो आपको याद रहेगा। इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि एंट्रीज कौन से रहेगी। पहले बंकरिंग किया, बंकरिंग ऑफ द फ्यूल और द बल्क लुब्रिकेटिंग ऑयल, मतलब आप जो ल्यूब्स लेते हो उसकी एंट्रीज, और बंकर एज ए फ्यूल, ऑयल एज ए बंकर ले लिया। बाद में कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ ऑयल रेसिड्यूज, मतलब बंकर टैंक खाली होने के बाद में, बंकर टैंक आपने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद में उसमें ऑयल रेसिड्यूज बचे, उस ऑयल रेसिड्यूज को आपको कलेक्ट करना होगा और उसको डिस्पोज करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया बंकरिंग ऑफ अ फ्यूल, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द ऑयल रेसिड्यूज, बंकर टैंक खत्म होने के बाद में जो ऑयल रेसिड्यूज बचे उनका कलेक्शन एंड डिस्पोजल, डिस्चार्जिंग ओवरबोर्ड एंड डिस्पोजल बिल्ज वाटर। जो मशीनरी स्पेसेस थे, मशीनरी स्पेसेस में जो ऑयल गिरेगा वो बिल्ज में जाके जमा हो जाएगा। मशीनरी स्पेसेस में एक बिल्ज बने होते हैं, बिल्ज में क्या होता है, मशीनरी का जो ऑयल होता है वो ऑयल उस बिल्ज वाटर में, बिल्जेस में जाके जमा हो जाता है, उसे बोलते हैं बिल्ज वाटर, ऑयल प्लस वाटर, पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, रेसिड्यूज भी हो सकते हैं, वो सारा बिल्ज वाटर में, बिल्ज में जाके जमा हो जाता है। तो उसको डिस्चार्ज करना या डिस्पोज करना, ये भी चीज़ आपको लिखनी है। मशीनरी रिलेटेड, मशीनरीज में ऑयल जहाँ जहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ जहाँ का ऑयल डिस्पोज किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है या लोड किया जाता है, मशीनरी रिलेटेड लगने वाले ऑयल, उसकी सारी एंट्रीज आपके ऑफिशियल ऑयल रिकॉर्ड बुक के पार्ट वन में होगी। तो डिस्चार्ज ओवरबोर्ड और डिस्पोज बिल्ज वाटर विच हैज़ एक्युमुलेटेड इन मशीनरी स्पेसेस, ठीक है।
The cleaning of fuel tank. जो fuel tank भरे थे, bunkering लिखा. Bunkering बाद में उसमें जो oil residues बचे, उसका collection and disposal लिखा. ठीक है, उसके बाद में जो अभी आपके bunker tank से, उन्हें clean करना होगा. तो cleaning के बारे में आपको लिखना है, cleaning of the fuel tanks. मतलब कौन से time से कौन से time तक कौन सा tank clean किया, कितने क्यूबिक मीटर का टैंक था वो लिखना है. तो क्लीनिंग ऑफ द फ्यूल टैंक, ब्लास्टिंग ऑफ फ्यूल टैंक मतलब क्लीन किया, क्लीन करने के बाद में उसमें ब्लास्ट लिया. अगर जो ब्लास्ट लिया है वो अगर डर्टी ब्लास्ट रहा, ठीक है, क्लीन करने के बाद में उसमें ब्लास्ट लिया, ब्लास्ट अगर डर्टी ब्लास्ट था तो उसे डिस्चार्ज किया. तो ब्लास्टिंग ऑफ फ्यूल टैंक, डिस्चार्ज ऑफ डर्टी ब्लास्ट और क्लीनिंग वाटर फ्रॉम द ऑयल फ्यूल टैंक. तो आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है. सबसे पहले हमने बंकर लिया, बंकर खत्म होने के बाद में उसमें जो ऑयल रेसिड्यूज बचे उसको कलेक्ट किया. ठीक है, कलेक्शन होने के बाद में हमने जो बंकर टैंक्स थे उन्हें क्लीन किया, क्लीन करने के बाद में उसमें बलास्ट लिया, बलास्ट लेने के बाद में जो बलास्ट उसके अंदर लिया था, डर्टी बलास्ट, जो बलास्ट उसके अंदर लिया था उसे डिस्चार्ज किया. ठीक है, अभी ये सब चीज होने के बाद में इन एडिशनली मशीनरीज में, मशीनरी जब क्लीन करते हैं तो उसका वाटर एंड ऑयल जो बिल्ज में जमा होते हैं उसकी भी एंट्री हमें करनी है. ठीक है, तो क्लीनिंग, उसकी क्लीनिंग वाटर फ्रॉम द ऑयल फ्यूल टैंक्स ये हो गया, डिस्चार्जिंग ऑफ द बिल्ज वाटर हो गया, क्लीनिंग फ्यूल टैंक हो गया, ब्लास्टिंग हो गया और डिस्चार्ज ऑफ डर्टी ब्लास्ट. तो ये सारी जो एक्टिविटीज है जो मशीनरी स्पेसेस में होती है, सारे शिप पे मशीनरी होगी क्योंकि आपको इंजन चलाना है. तो मशीनरी स्पेसेस में जो भी ऑयल रिलेटेड एक्टिविटीज होगी वो सारी एक्टिविटीज आपको इस ऑयल रिकॉर्ड बुक में पार्ट वन में लिखनी है. तो पार्ट वन इज रिलेटेड टू मशीनरी स्पेसेस. रेगुलेशन कौन सा है, रेगुलेशन 17, इसे बाय हेड कर लो. और मशीनरी स्पेसेस रिलेटेड ऑपरेशन सारे आपको लिखने और एंट्रीज मैंने आपको बता दिए. तो एंट्रीज का सिक्वेंस ध्यान में रखना, पहले भरना है, भरने के बाद में खत्म होने के बाद जो रेसिड्यू बचे रेसिड्यू को कलेक्ट करो, बाद में उसको क्लीन करो, क्लीन करने के बाद बलास्ट भरो, बलास्ट भरने के बाद बलास्ट को डिस्चार्ज करो. ये इसमें आपके पांच पॉइंट्स हो गए, पांच पॉइंट खत्म हो गए. अभी सिक्स पॉइंट कौन सा है, सिक्स पॉइंट हो गए ऑयल रेसिड्यूज. हाँ, बाद में कौन सा पॉइंट है कि जो क्लीनिंग वाटर है, जो बिल्ज में जो पानी जमा हुआ है या ऑयल जमा हुआ है उसे कलेक्ट करना, डिस्पोज करना. तो हो गए मशीनरी रिलेटेड. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पार्ट टू में क्या क्या है. पार्ट टू मतलब जो ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर में कार्गो में जहां पर ऑयल लिया जाता है तो उसके रिलेटेड पढ़ेंगे कि उसमें कौन सी एंट्रीज हमें करनी है.